हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स मैं अमनप्रीत आज आपके लिए लेकर आई हूँ बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है स्टाफिंग अब हम इसमें इसका मीनिंग कंपोनेंट्स एंड इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होने वाला फंक्शन स्टाफिंग स्टाफिंग का क्या मतलब है इट इज बेसिकली फोकस ऑन फिलिंग द पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है अब उसमें क्या है होने वाली एक्टिविटीज कौन परफॉर्म करेगा इंप्लाइज परफॉर्म करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज परफॉर्म करेंगे तो क्या है स्टाफिंग इसी से ही रिलेटेड है इसमें हम क्या करते हैं एक सही पर्सन सही जगह पर अपॉइंट करते हैं सिंपल सी बात है एक ऑर्गेनाइजेशन में एक राइट पर्सन विद राइट क्वालिफिकेशन एक राइट right जगह पर प्लेस होता है उसको क्या है उस पोजीशन पे बिठाया जाता है सिलेक्ट किया जाता है उसी को ही हम स्टाफिंग कहते हैं अब स्टाफिंग में सिर्फ यही नहीं आता कि अगर हम क्या है पर्सन को काम के लिए रख देते हैं मतलब उसको अपॉइंट कर लेते हैं तो स्टाफिंग खत्म है नहीं भाई स्टाफिंग का फंक्शन जो है वो यहां से स्टार्ट होता है रिक्रूटमेंट से एंड देन उसकी एंडिंग कहाँ पे होती है एम्प्लॉइज के एग्जिट होने तक ठीक है मतलब शुरू से लेके एंड तक एम्प्लॉयज से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो से जो हमारा स्टाफिंग है इसमें इंक्लूडेड होती हैं ठीक है स्टाफिंग में क्या आता है हम इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट स्टाफिंग में प्लेसमेंट स्टाफिंग में इनकी ट्रेनिंग स्टाफिंग में ही प्रमोशन डिमोशन इनकी सैलरी इनको क्या बोनसेज देने हैं क्या इम्प्लॉय सेटिस्फाइड हैं या नहीं है ये सारी एक्टिविटीज़ कब किस इंक्लूडेड होती हैं स्टाफिंग में क्योंकि बेसिकली स्टाफिंग जो है वो किससे रिलेटेड है स्टाफ से रिलेटेड चलिए स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस की तरफ चलते हैं ठीक है देखते हैं हैं कि कौन-कौन से पॉइंट्स स्टाफिंग के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस को दर्शाते हैं फर्स्ट पॉइंट है राइट पर्सन एट द राइट प्लेस इसमें क्या इंक्लूड होता है कि हम जो रिक्रूटमेंट करते हैं वो एक सही पर्सन की सही जगह पे करते हैं ठीक है जैसे उसकी क्वालिफिकेशन होती है उसके हिसाब से फॉर एग्जाम्पल मुझे अकाउंटेंट चाहिए तो मैं कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का पर्सन नहीं अपॉइंट करूंगी मैं कौन अपॉइंट करूंगी अगर अकाउंटेंट चाहिए तो ऑब्वियसली कॉमर्स बैकग्राउंड वाला ही पर्सन जो होगा वो सूटेबल होगा अकाउंटेंट की जॉब के लिए जिसको अकाउंट्स की नॉलेज होगी जिसको क्लैरिकल वर्क की नॉलेज होगी ठीक है तो स्टाफिंग क्या है स्टाफिंग में फर्स्ट पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंस का क्या आएगा राइट पर्सन एट द राइट प्लेस सही पर्सन को सही जगह पे अपॉइंट करना सेकेंड पॉइंट इज ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज हरेक एंटरप्राइज की हरेक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ किस पे डिपेंड होती है इंप्लॉइज पे ठीक है इंप्लॉयज जो है वो किस तरीके का वर्क करते हैं कैसे वर्क करते हैं अगर इंप्लॉयज जो है वो बार बार गलतियां करी जाएंगे तो रिजल्ट्स तो अच्छे नहीं आएंगे अगर वही हम क्या है अगर अच्छे इंप्लॉइज जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में भी पढ़ा कि राइट पर्सन एट द राइट प्लेस सेम उसी तरीके से अगर हम सही क्वालिफाइड इंप्लॉयज जो है उनको रखते हैं उनको रिक्रूट करते हैं सिलेक्ट करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पॉसिबल है थर्ड पॉइंट इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज के प्रॉपर यूटिलाइजेशन ठीक है कि मतलब जितने हमें मेंबर चाहिए जितने हमें इम्प्लॉयिज चाहिए हम उतनी ही रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो मतलब क्या हो जाएगा कि हम उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं सिंपल सी बात है मैन पावर प्लानिंग में क्या होता है कि हम ये फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं वो हमें चाहिए ठीक है तो कितनी वैकेंसीज वैकेंट हैं उसके लिए कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स चाहिए हमें तो हम उसके हिसाब से क्या करते हैं प्लानिंग करते हैं उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट करते हैं तो इसमें कोई चांस ऐसा नहीं होता जिससे क्या है कि अंडर यूटिलाइजेशन हो पर्सनस की या ओवर हो ठीक है अब यह नहीं है कि सपोज हमें दो बंदे और, और मतलब एक्स्ट्रा चाहिए ठीक है काम के लिए क्योंकि काम का बर्डन ज्यादा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम ये सोचे कि जो एग्जिस्टेंट हमारे इंप्लॉयज हैं हम उनके ऊपर ही बर्डन डाल देंगे नहीं हमने क्या करना है अप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन करनी है जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नीडेड हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमें उतने अपॉइंट करने हैं फोर्थ पॉइंट इज हेल्प्स इन कंपीटिंग हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से आगे निकलना चाहती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन ये सोचती है कि हम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है ग्रो करें तो वो तभी पॉसिबल है अगर सफिशिएंट एम्प्लॉयज जितने नीड है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर उतने हैं और विद प्रॉपर uh, हम ये कह सकते हैं क्वालिफिकेशन के साथ वो प्लेस्ड हैं तो देन क्या है अप्रोप्रिएट वर्क होगा कोई मिस्टेक्स नहीं होंगी वो अच्छे से वर्क करेंगे तो इससे क्या है हम अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे कम्पीट करवाएंगे क्योंकि जो एच है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग उसमें बाकायदा ये देखा जाता है कि एम्प्लॉयज क्या सेटिस्फाइड हैं अपनी जॉब से या नहीं उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉपर प्रोसीजर के साथ सॉर्ट आउट किया जाता है फिफ्थ पॉइंट इज इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन मैन पावर प्लानिंग ये भी इंश्योर करती है कि हमने ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है जो ट्रेनिंग से रिलेटेड हो प्रमोशन से रिलेटेड हो कम्पनसेशन से रिलेटेड हो वेलफेयर से रिलेटेड हो जिससे हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑलवेज मोटिवेटेड रहें वो अपने टास्क को कम्प्लीट करें ऑन द टाइम एंड देन जो भी हमारा वर्क फोर्स है वो अपनी क्या है मोटिवेशन के साथ एक अर्ज के साथ काम करें अब, मतलब बाई हार्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड रहें अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो करेगी एंड एम्प्लॉइज जो हैं वो सेटिस्फाइड रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं कंपोनेंट्स की तरफ स्टाफिंग के तीन कंपोनेंट्स हैं तो चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट अब रिक्रूटमेंट का यहां पे क्या मतलब है कि यहां पे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हम सर्च करते हैं जो एक पर्टिकुलर वेकेंट जॉब है उसके लिए रिक्रूटमेंट में क्या है हम फाइंड करते हैं कैंडिडेट्स को ठीक है सर्च करते हैं और उनको क्या है मोटिवेट uh, करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें जैसे हम सपोज एडवर्टाइजमेंट देते हैं ठीक है या फिर न्यूज़पेपर में देते हैं या सोशल मीडिया पे यूज़ करते हैं तो बहुत सारे लोगों के क्या है uh, मतलब इनवाइट्स आए होते हैं ना कि लाइक वो सीवी सबमिट करते हैं अपने रिज्यूमर सबमिट करते हैं लाइक दिस तो जो रिक्रूटमेंट है रिक्रूटमेंट ना दो तरीके से होती है जिसमें क्या है कि इंटरनल सोर्सेज जो है यूज़ किए जाते हैं और एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है इंटरनल में ये होता है कि जो वेकेंट पोजिशन होती हैं उनको एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स के द्वारा ही फिल कर दिया जाता है फॉर एग्जाम्पल कि हमें क्या है अब मैनेजर की ज़रूरत है ठीक है हमारे जो पुराने मैनेजर थे वो रिटायर्ड हो गए अब वहाँ पर जॉब वेकेंट है तो हम क्या करते हैं जो असिस्टेंट मैनेजर होगा या हमें लगेगा कि जो हमारा एम्प्लॉज अच्छा काम कर रहा है और उस पर्टिकुलर चेयर के लिए वो कैपेबल है तो देन हम क्या करते हैं उसको वहां पे अपॉइंट कर देते हैं एंड जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होती है उसमें क्या होता है कि हम आउटसाइड द आउटसाइडेशन क्या है सर्च करते हैं कैंडिडेट्स को एंड देन जब वो अप्रोप्रियट हमें लगता है देन हम क्या करते हैं अपनी अकॉर्डिंग टू दैट फिल करते हैं सेकेंड पॉइंट इज सिलेक्शन तो सिलेक्शन में क्या होता है जो अप्रोप्रियट कैंडिडेट हमें लगता है कि यस ये सुइटेबल है एक पर्टिकुलर हमारी उस जॉब के लिए तो हम क्या करते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इज ट्रेनिंग ट्रेनिंग में क्या होता है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जो एक पर्सन की पर्टिकुलर स्किल्स को ये एक स्पेसिफिक नॉलेज को इंक्रीज करती है इंप्रूव करती है ठीक है तो बाय ट्रेनिंग क्या है इम्प्लॉयज़ जो है एक पर्टिकुलर जॉब के लिए एफिशिएंट हो जाते हैं फॉर एग्जांपल हमने टेक्नीशियन जो है वो अपॉइंट किया अब अगर क्या है कि हम उसको विदाउट गिविंग ट्रेनिंग उसको बोलेंगे कि भाई ये तूने काम करना है ठीक है तो वो इतने प्रॉपरली नहीं कर पाएगा उसको पता नहीं होगा कौन सा टूल मैंने मतलब किस तरीके से कैसे यूज करना है तो अगर उसको क्या है ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी तो देन क्या है उसको नॉलेज हो जाएगी कि भाई हाँ इस वर्क को किस तरीके से करना है क्या टेक्निक है क्या टूल यूज करने हैं कैसे मशीनरी को ऑपरेट करना है ठीक है तो लाइक दिस वे अगर वो इस तरीके से काम करेगा तो ऑब्वियसली उसकी एफिशंसी इंक्रीज होगी वो अच्छा वर्क करेगा और उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा सो थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लिसनिंग विद पेशेंस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पर नए हैं तो आने वाली नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करना